दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप में एक अपडेट आया था जिसमें हमको स्टिकर्स का ऑप्शन मिलता था, ताकि हम वहाँ से किसी भी अपने फ्रेंड को स्टिकर सेंड कर सकते थे। वहाँ पे हमको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाते थे। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, तो अगर आपने वो अपडेट नहीं किया है अपने व्हाट्सएप को, तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो का, तो आप उसको देख लीजिएगा और किस तरह से आपको स्टिकर्स मिलते हैं वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उन स्टिकर्स की जगह आप अपना स्टिकर बना के, अपने फोटो का स्टिकर्स बना के कैसे अपने फ्रेंड्स को चौंका सकते हो, या फिर कैसे अपने व्हाट्सएप में अपने स्टिकर बना के ऐड कर सकते हो। आपको कहीं से अलग से गैलरी में नहीं जाना होगा, सिर्फ अपना व्हाट्सएप ओपन करना होगा, वहीं पर आपको अपने फोटो के स्टिकर डायरेक्ट वहां से सेंड कर सकते हो, उसी में आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी फोटो का स्टिकर बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड इरेजर, जो कि आपको सिंपली प्ले स्टोर में मिल जाएगी। आप जैसे ही यहाँ पे टाइप करोगे बैकग्राउंड इरेजर, तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे इस वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इसको यूज़ करना आपको नहीं आता है तो मैं आपको एक, मैंने वीडियो बना रखी है अपनी फ़ोटो एडिट कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने बताया है कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस वीडियो को देख के भी सीख सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, एक और आपको एक एप्लीकेशन की और ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी, और उस एप्लीकेशन का नाम है, तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है पर्सनल स्टिकर मेकर। उस एप्लीकेशन का नाम है पर्सनल स्टिकर मेकर, जो कि जिसका आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेकंड नंबर पे, इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, आपको पहले दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में आपको अपने वो जो मैंने फर्स्ट वाली एप्लीकेशन बताई थी, उसके द्वारा आपको अपना स्टिकर बना लेना है फ़ोटो का। जैसा कि देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले से ही बना के रखे हैं स्टिकर्स, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, मेरी यहाँ पे फ़ोटो के स्टिकर आपको दिख रहे होंगे, जो कि मैंने पहले से ही यहाँ पे बना रखे हैं अपने। आपको स्टिकर कैसे बनाना है दोस्तों, आपकी जो भी फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड आपको हटा देना है, तो बस वो स्टिकर्स बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये बना रखे हैं कुछ स्टिकर, तो मैं आपको इनको अपने व्हाट्सअप में ऐड करके दिखाऊंगा कि कैसे इनको ऐड करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आपको अपना स्टिकर बना लेना, बनाने के बाद में आपको अपने इंटरनल स्टोरेज में एक फोल्डर अलग से बना लेना है, जी कोई किसी भी नाम से आपको एक फोल्डर बना लेना है, और उस फोल्डर के अंदर वो स्टिकर ऐड कर देना है, या फिर उस फोल्डर के अंदर ऐड कर देना है, उस फोल्डर के अंदर डाल देना है सारी स्टिकर्स को जो आपने बनाई है। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर मैंने बना रखा है, यहाँ पे केज है, मैंने पहले से ही बना के यहाँ पे इसमें डाल रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने स्टिकर्स बना रखे हैं, तो आप देख सकते हो। ऐसे बनाने के बाद में आप एक फोल्डर बना लीजिए, उसके बाद में आप बैक कीजिए। बैक करने के बाद हमने जो सेकंड वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, तो हमको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिकर्स बना रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे 3-4 स्टिकर, और इनके सामने आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड, तो आपको ऐड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो स्टिकर व्हाट्सएप में ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हमारे स्टिकर व्हाट्सएप में ऐड हो गए हैं। तो चलिए, यहाँ से मैं बैक करता हूँ और अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी स्टिकर ऐड किए हैं वो आए हैं या नहीं। तो मैं किसी एक यहाँ से कॉन्टेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, फिर टाइप ए मैसेज पे क्लिक करता हूँ, फिर इमोजी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे नीचे ये ऑप्शन मिलता है स्टिकर वाला, आप देख सकते हो नीचे, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने अभी स्टिकर ऐड किए व्हाट्सएप में, यहाँ पे आ चुके हैं मेरी फ़ोटो के स्टिकर जो मैंने बनाए थे, तो वो अपने व्हाट्सएप में ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने स्टिकर्स को व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हो, और अपने फ्रेंड को सेंड कर सकते हो। यहाँ पे अलग से आपको कहीं पे गैलरी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।